चीन के बाद ईरान में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वायरस से सिर्फ ईरान में ही करीब 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं अब तक करीब 429 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि देश का सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित इलाका कोम शहर है। इसी के चलते इस शहर में सैकड़ों कब्रें खोदी जा रही हैं। इस बात का खुलासा सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए हुआ है। ईरान के एक निजी अखबार ने बताया कि कोरोना वायरस के महामारी के बीच ईरान के कोम शहर में एक सुनसान जगह पर कब्रें खोदी जा रही हैं। जानकारी के अनुसार इस बात का सबसे पहले खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया था, जिसमें लिखा गया था कि करीब 300 फीट की लंबाई में सैकड़ों कब्रें खोद रखी हैं। सामने आ रही खबरों के अनुसार ये कब्रें 24 फरवरी से ही खोदी जा रही हैं, क्योंकि जैसे ही ईरान की सरकार को ये पता चला कि कोम में शहर के करीब 50 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो गई है, तो उन्होंने कब्रें खोदना शुरू कर दिया था। एक निजी अखबार ने इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री इमराज हरीची ने इस बात का इनकार कर दिया है कि ये कब्रें कोरोना वायरस से मरने वालों के लिए खोदी जा रही हैं। जानकारी के अनुसार जिस दिन मीडिया के सामने इमराज हरीची ये बात कर रहे थे, उस समय उनके माथे से पसीना बह रहा था और उन्हें खांसी आ रही थी। सामने आ रही खबरों के अनुसार कोरोना वायरस से मारे गए लोगों को कोम शहर के इन कब्रों में डालकर उनके ऊपर चूना भी डाला जा रहा है, ताकि शव कब्र के अंदर जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ईरान के अधिकारियों ने यह माना है कि उनके देश में जब भी कोई दफनाया जाता है तो उसके ऊपर चूना डाला जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।